बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सर्वे सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो क्षीण, लाक तली लाल एड़िया, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातू ना, पलना वालों मीर खून नेत्रे, मेरे जीव के एही जीवन, मेरे जीव के एही जीवन। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। परम वंदनीय प्रात स्मरणीय गुरुदेव ब्रह्मलीन श्री दीनदयाल जी गुरु जी के पावन चरणारविंद में अखंड दंडवत प्रेम प्रणाम करते हुए उपस्थित आप सभी सुंदर साथ जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, प्यारे सुंदर साथ जी, आइए कुछ अल्प समय के लिए संक्षिप्त वाणी चर्चा को हम श्रवण करेंगे, क्योंकि हाल की परिस्थिति के अंदर जहां वाईफाई इंटरनेट आदि की सुविधाओं को हम प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, इसी के कारण से कुछ अल्प समय तक ही हम वाणी चर्चा को श्रवण कर पाएंगे। किंतु श्री राजी महाराज के हुकुम एवं कृपा से जो जितना भी लाभ हम ले सकते हैं उसे हम अवश्य लेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, आज की मजल का हम शुभारंभ करते हैं। हुक्मे हाथ पकड़ के दिया फैल हाल बेशक, तब जो सक देखाया जासो पाया हक, जासो पाया हक। जोस हाल और इसक ए आवे न फैल हाल बिन। प्यारे सुंदर साहब जी, जो हमने कल की मजल के अंतर्गत चौपाई 11 के विषय में चर्चा की थी, उसी चौपाई से प्रारंभ करते हुए कल की मजल तथा आज की मजल, इन दोनों को ही जोड़ने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि हमने कल की चौपाई मध्य श्रवण किया था कि हुक्म ही है जो रूहों का हाथ पकड़ रहा है, धनी के हुक्म के माध्यम से धनी की कृपा हो रही है, कृपा पात्र हम जब बनते हैं तब धनी जी का हुक्म ही हमारा हाथ पकड़ करके जिस स्थान पर, जिस गुरु के पास, सतगुरु चरणों में जहां हमको पहुंचना है वहीं पर हमको पहुंचा देता है। इस प्रकार से दिया फैल हाल बेशक, एक तो निशंक होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि संसार के अंदर सारी वस्तुएं तो हमको मिल सकती है परंतु बेशकी ये तो धनी के प्रदान करने पर, धनी के बख्शिश करने पर ही प्राप्त हो सकती है। श्री इंद्रावती सखी कहती हैं कि धनी जी के ही द्वारा हम तक क्या क्या आ रहा है,
धनी के हुकुम के द्वारा, धनी की कृपा दया मेहर के द्वारा, फैल हाल और बेशक पियाजी के द्वारा प्रदान किए हुए फैल अर्थात के चलने का मार्ग जिसके ऊपर हम अनुकरण करते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से जब हाल यानी कि वो प्रेम वो इश्क हमारे अंदर निर्माण होता है, ये कब होगा? जब धाम धनी जी का बेशक इलम द अनक्वेश्चनेबल नॉलेज तारतम ज्ञान, इस तारतम ज्ञान के जरिए जब हमारी रूह बेशक बन जाती है, निसंख बन जाती है, उस समय धाम धनी जी फल स्वरूप हाल को प्रदान करते हैं। धनी के हुकुम और दया कृपा के बिना ये फैल हाल और बेशकी हमारे अंदर नहीं आ सकते हैं। इसलिए श्री इंद्रावती सखी यहाँ कह रही हैं, तब जोस इश्क देखाया, धनी जी के ही द्वारा बख्शिश किए हुए प्रदान किए हुए जोश और इश्क को देखाया अर्थात कि हम देख पाते हैं, इट बिकम्स विजिबल इन अवर लाइफ। हमारे जीवन के अंतर्गत पिया जी ने प्रदान किया हुआ जोश, पिया जी ने बख्शिश किया हुआ ईशक हमको तब नजर आएगा जब वे बख्शिश करते हैं, जब वे कृपा करते हैं। इस विषय कल हमने 12 मोमनों का दृष्टांत भी देखा था। जब 12 जने मोमिन अनंत प्रयास कर रहे थे दिल्ली के शरीयत के बीच में अपने धर्म संदेश को पहुंचाने के लिए, कईयों प्रयास करने के बाद भी सारे के सारे विफल होते जा रहे थे। एक ऐसी कसौटी होती है कि जिसके ऊपर 12 जने मोमिन यह सोच बैठे कि अब चाहे जो भी हो जाए परंतु हम कभी हार मानेंगे नहीं, और दज्जाल चाहे जितने प्रयास कर ले हमको रोकने के लिए परंतु माया के रोकने से हम रुकने वाले नहीं हैं। इस प्रकार की सोच जब उनके अंदर में आई, तुरंत ये मोमिन श्री प्राणनाथ जी को कामा पहाड़ी के गुप्तवास के बीच में पत्र लिखते हैं। इस पत्र के अंदर मोमिनों ने श्री प्राणनाथ जी को भी इस बात से अवगत कराया कि हे पियाजी, अब हमारी एक चाल को आप देखना, जिस चाल के ऊपर चलते हुए अवश्य सुल्तान तक हम संदेश पहुंचा ही देंगे। श्री प्राणनाथ जी ने कामा पहाड़ी में बैठे बैठे मोमिनों के इस हाल को पहचाना। श्री प्राणनाथ जी तुरंत इस पैगाम का प्रत्युत्तर देते हैं, जवाब देते हैं कि हे मोमिनो, जब तक मैं आकर के नहीं मिलता हूँ तब तक कोई कदम नहीं उठाना, क्योंकि आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होए सोए। धनी श्री प्राणनाथ जी से जब मिलाप करते हैं तब मोमिनों के जोश को देखकर श्री प्राणनाथ जी अत्यंत खुशहाल होते हैं और समझ जाते हैं कि ये हाल जो मोमिनों के अंदर दिखाई दे रहा है, प्रतीत हो रहा है, वो पहले कभी नहीं था, ये तो धनी के बख्शिश करने पर ही आया हुआ है। इसी तरह से ये हमने वितक के आधारभूत उदाहरण को देखा, दृष्टांत को समझा। इसी तरह हमारे निजी जीवन के अंदर में भी जब वाणी का अनुकरण हमारे द्वारा होने लग जाता है, इसी वाणी के माध्यम से हृदय के अंदर एक ऐसा परिवर्तन होने लग जाता है सुंदर सां जी, कि जब आप वाणी के शब्दों को हृदयंगम करते हैं तो वाणी के जरिए जोश और इश्क ये हृदय के अंदर में प्रस्फुटित होते हैं। क्योंकि धनी जी की वाणी, धनी जी के वचन ही एकमात्र स्रोत है हृदय के अंदर उस प्रेम को प्रकट करने के लिए, मोमिनों के अंदर उस हाल को लाने के लिए। श्री इंद्रावती सखी आगे फरमाती हैं,
जासो पाया हक, जिस इशक के द्वारा और जिस आए हुए हाल के माध्यम से हक श्री राजी को पा सकते हैं, वो इशक वो हाल देने वाले भी श्री राजी हैं। परंतु कब देते हैं? जब हमारा प्रयास सर्वोत्तम हो, जब हृदय के अंदर में यह इच्छा प्रबल रूप से आ जाए कि मुझे पिया से मिलाप करना है, तो मिलाप कराने वाला है ईशक। उस ईशक की दशा में पहुंचाने के लिए जोश होता है। इस जोश की दशा में पहुंचाने के लिए फैल और हाल कहे गए हैं। इस तरह से रूहों के ऊपर श्री राजी ही स्वयं ये सब कुछ बख्शीश करते हैं। एक ही साथ बख्शीश कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक ही साथ में रूह के आड़े जो जितने पर्दे हैं, क्या हम उसको उठा सकेंगे? जैसे जैसे प्रगतिशील होते हैं, जैसे जैसे प्रयास करते हैं, वैसे वैसे चित्त निर्मल होने के साथ साथ हम भी अनुभव करेंगे कि एक के बाद एक पर्दे उठते जा रहे हैं, हटते जा रहे हैं, और कृपा बढ़ती जा रही है, होती जा रही है। इसीलिए साधक को कहा गया, तू अपना काम किए जा, वे अपना काम करेंगे। ये कदापि सोच करके निराश या हताश होना नहीं पड़ेगा कि मैंने इतना किया फिर भी मुझे कुछ नहीं मिला। ये कभी नहीं हो सकता। की हुई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मगर ये बात भी समझने की बात है कि अगर हमें जितनी मेहनत करने की आवश्यकता है उससे हम कई गुना कम मेहनत कर रहे हो, कर तो रहे हैं परंतु कम हो, तो रिजल्ट भी उसी के अनुसार होता है। इसीलिए साधक को ये चाहिए कि वो बस महज अपनी मेहनत के ऊपर ध्यान दे, अपने फैल के ऊपर ध्यान दे, और उसके आगे हाल कितना और किस प्रकार से आता है, ईशक किस प्रकार से आता है, ये सब कुछ प्रदान करने की जिम्मेदारी श्री राज्य की हाथों में होती है, हुकुम के हाथों में होती है। तो साथ जी, ये बात तो निश्चित रूपेण हम जानते कि बिना धनी के बख्शिश किए उनकी कृपा और हुकुम के बिना कुछ भी रूहों को मिलता नहीं है। लेकिन धनी कब कृपा कर रहे हैं? जब हम प्रयास करते हैं। एक या दो दिन प्रयास करने के बाद में अगर हम सोचने लगे कि अभी कृपा होगी, अभी कृपा होगी, होनी ही है कृपा, वो कब और कैसे और कहां से होगी ये हम नहीं जानते हैं। डू योर बेस्ट, बस इतना ही हम संकल्प लेकर के इस एटीट्यूड से अगर हम चलते हैं कि मुझे मेरा सर्वस्व निछावर करके कार्य करना है, तो उसके बाद इस बात में कोई दोराय नहीं है, कोई शंका नहीं है कि कृपा तो होती ही है, पर हम मांग नहीं सकते, न ही हम इंतजार करके बैठे रह सकते हैं। वह कृपा अपना कार्य करती ही जा रही है। इस विश्वास के आधार पर, इस श्रद्धा को लिए हुए जब साधक अपनी मेहनत, अपना प्रयास कर रहा है, तो क्यों कृपा नहीं होगी? अवश्य होगी। और ये मिलाने का काम, धनी चरणों तक पहुंचाने का काम स्वयं धनी का है। जो सहाल और इशक, इस प्रकार से श्री इंद्रावती सखी आगे फरमाती है कि जो श्री राजी के द्वारा प्रदान किया हुआ जोश है, धनी की शक्ति उसको कहा गया है। सभी रूहों के अंदर ये जोश एक समान नहीं होता। किसी के अंदर एक छोटी चिंगारी के समान है, किसी के अंदर कुछ बड़ी अग्नि के समान है, किसी के अंदर दीपक की ज्योति के समान है, किसी के अंदर ज्वाला के समान है, तो किसी के अंदर
बवंडर अग्नि का स्वरूप उसने धारण किया हुआ है। जैसे हमारे स्वरूप हैं सतगुरु श्री प्राणनाथ जी, उनके अंदर में देखें तो श्री राजी महाराज का संपूर्ण जोश लेकर के वह कार्य करते हैं। 12 जने मोमिनों की बात करें तो हर एक मोमिन के अंदर में हजार हजार ब्रह्म आत्माओं की जोश शक्ति का बल दिया गया है। जैसा जिसका कार्य, जैसी जिसकी मेहनत, इसी अनुसार धनी उस जोश को प्रदान करते हैं। हाल और इशक तो इसी अनुसार जैसे जोश प्रदान करते हैं वैसा ही हाल भी हो जाता है, उस दशा में भी पहुंचते हैं। बार बार सुंदर सांझी 12 जने मोमिनों का उदाहरण ही सबसे उत्तम है। इट इज अ ग्लेयरिंग एग्जाम्पल। जैसे लालदास जी महाराज शेख बदल भाई की अवस्था की बात करें तो स्वयं वितक साहब के अंदर श्री लालदास जी फुरमा रहे हैं कि इनको ना पड़े कल। ये लालदास जी महाराज और शेख बदल भाई को जब तक संदेश पहुंचा नहीं देते हैं तब तक कल नहीं पड़ती, यानी कि चैन नहीं मिलता। इस हाल में वे पहुंच चुके हैं। कुर्बानी के भी तो कई स्तर हैं। There are various stages of surrendering yourself। उसमें से हम किस स्तर के ऊपर अपने आप को निछावर कर रहे हैं, किस कार्य को हमने हाथ में लिया हुआ है, ये सबसे मुख्यतम बात होगी। इसी अनुसार हाल और उसी अनुसार इशक भी आता है, धनी के दिए हुए ही आता है। ए आवे न फैल हाल बिन। तो श्री इंद्रावती सखी कहती है यहाँ पर कि ये जो धनी जी ने प्रदान किया हुआ जोश कहें, इशक कहें, हाल कहें, वो कैसे आएगा? धनी जी के प्रदान किए ही आएगा, ये तो है। और दूसरा यहाँ कहा कि न आवे फैल हाल बिन। जब तक रूहें स्वयं से फेल में नहीं उतरती, दे डू नॉट एग्जीक्यूट, जब तक धनी श्री राजी महाराज की कही हुई वाणी को सिरोधार्य नहीं करती है, वहां तक वो फेल में उतरी ही नहीं। और जो फेल में नहीं उतरी तो फेल के बाद आने वाले हाल में कहां से जाएंगे? बिकॉज ऑल दिस इज सिक्वेंशियल, ये सब क्रमश है। कोई कहे कि मुझे एक ही साथ हाल में जाना है, कॉल को या फेल को छोड़ करके जाना है, वो कदापि हो नहीं सकता। ये क्रमश है, सिलसिला है। तो श्री इंद्रावती सखी कह रही है नावी फेल हाल बिन, हे रूहों सबसे पहले कॉल होगा। कॉल के अंदर संपूर्ण विश्वास को जो लेकर के चले वह दूसरे स्टेज में जा सकेगा जहां पर उसका अनुकरण करेगा, वो फेल है। जब इस फेल की दशा में आए तो यहां से ही वो और एक कदम आगे बढ़ाए जाएंगे जब वो हाल में प्रवेश होंगे। तो इस प्रकार से तीनों कैटेगरी, तीनों स्तर के ऊपर से हमने पसार होना है। सो फैल हाल हक के। इस प्रकार श्री इंद्रावती सखी का कहना है ये फैल भी कहें, ये हाल भी कहें, वो ऐसा मत समझना कि मेरे करने से आया है। हक के, इट इज बेस्टोड अपॉन बाय श्री राजी हिमसेल्फ। श्री राजी ही उसको बख्शिश कर सकते हैं। कब बख्शिश करेंगे, कितनी मात्रा में करेंगे, कब हृदय परिवर्तन होगा, ये हम नहीं जानते और वो हमें सोचना भी नहीं है। वो राज्य के हवाले है, उनके चरणों में है। बस इतना सोचना है कि अगला कदम मुझे क्या करना है, किस प्रकार वाणी को सुनकर अनुकरण में लाना है, दैट इज इट। और सदैव इसको कैसे मुझे पालन करना, कैसे अनुकरण करना, पल पल धनी के वाणी वचनों से ही
हृदय को कैसे मैं परिवर्तित करूं, इस बात को सोचना है रूहों को। बिना बख्शीश न पाए किन्न, बार बार श्री इंद्रावती कहती हैं। अगेन एंड अगेन शी इज एम्फसाइजिंग कि बख्शीश किए बिना कभी मिलेगा नहीं, श्री राजी ही बख्शीश कर सकते हैं। धनी की कृपा दया मेहर से ही ये हाल, ये इशक, ये बख्शीश रूप में आएगा। हमारे करने से कुछ मिलेगा नहीं, न तो कुछ आने ही वाला है। अब हमारे हाथ में जो है वो सबसे पहला अगर कोई प्रश्न करता है तो सत्संग और सेवा है, ये सबसे मुख्याति मुख्य है। इसीलिए कहा गया सेवा जेवो बीजो पदार्थ नथी, सेवा की भांति कोई और पदार्थ ही नहीं है कि जो हमें धनी जी से और धनी जी के कार्य से अपने को जोड़ सकता है। जब धनी से हम सेवा कार्य से जुड़ जाते हैं, उनकी जमात से जब जुड़ जाते हैं, तो इसी को हमने क्या कहा है, सत्संग। इस सत्संग के अंदर ऐसे ऐसे लाभ छिपे हुए हैं। सत्संग उसी का नाम नहीं है कि जब हम बैठ करके चर्चा को श्रवण करते हैं, जब किसी भी प्रकार से गुरुजनों के सानिध्य में रहें, दूर रहकर पास रहकर आज्ञा का पालन करते हैं, वो भी सत्संग है। ये भी अपने गुरुजनों के आश्रय में रहना है और इस सत्संग का लाभ अवश्य हमको मिलता है। भले हम लाभ हानि के पीछे न भी जाएं, किंतु फिर भी वो स्वयं ऐसा है कि उसके द्वारा हमको लाभ मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से जब हम सत्संग का लाभ लेने लग जाते हैं और जब सेवा कार्य से जुड़ने लग जाते हैं, ये दोनों इतने मुख्याति मुख्य है कि जिसके द्वारा आगे बढ़ने का मार्ग खुलता है। तो सुंदर साहब जी, कहने का भावार्थ ये है कि जो सबसे पहली कड़ी, या हम कहें कि हमारे हाथों में इस वक्त क्या है, तो वो ये दो ही चीजें हैं, सत्संग और सेवा कार्य, जिससे हमको दूसरे स्टेप में जाने के लिए एक चांस मिलता है, अवसर मिलता है। जब इस प्रकार से सेवा और सत्संग के माध्यम से वृद्धि होती जाती है, हम आगे बढ़ते जाते हैं, तब जाकर हर कदम के ऊपर श्री राज्य की बख्शीश होती जाती है और उसी बख्शीश से अगली सीढ़ी पर जाया जाता है। यूं करते करते क्रमशः हम श्री राज्य से और उनके स्वरूप से, उनके चरण कमल से सन्निकट होते हैं, पास होते हैं। इसके बिना महज ज्ञान को लेना सुनना, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब हम श्रवण करते हैं तब तक तो मन इसमें लगा हुआ है, लेकिन जैसे ही हम अपने लौकिक कार्य में पुनः चले जाते हैं, तब क्या होता है कि इसमें लगा हुआ मन उन्हीं कार्यों के अंदर संलग्न हो जाता है। और उस समय में अगर हम गौर करें तो जो भी सुना, जो भी समझा, वो पता नहीं कहाँ चले जाता है। इसीलिए हमें यह चाहिए कि जब श्रवण कर रहे हैं तो केवल मन के कानों से नहीं, मन लगा करके ही नहीं, मन तो लगाना ही है, फिर भी केवल मन लगा करके नहीं, हृदय के कानों से सुनिए। हृदय के अंदर उसी समय में इस ज्ञान को, धनी के इन वाणी वचनों को ऐसे उतार लीजिए कि जब इस आसन से उठ करके हम अपने कार्य में भी लग जाते हैं, तब भी धनी की ये वाणी वचन हमारे साथ, हमारे हृदय के अंदर हमेशा रहें। तो अक्सर यही होता है कि सुनते समय अच्छा भी लगता है, अनुकरणीय भी लगता है, परंतु उठने के बाद में भूल जाते हैं,
क्योंकि मन के कानों से सुना होगा, हृदय के कानों से श्रवण करना है, हृदय में उतारना है, क्योंकि मन पुनः माया में चले जाता है, परंतु हृदय के अंदर उतरी हुई बात जो है, जो सत्संग के बीच बैठे बैठे ही अपन ने उतार ली हो दिल के अंदर में, कहीं नहीं जा सकती। इसलिए साथ जी हमारा प्रयास ये है कि वाणी वचनों को हृदयांगम करें। हम बार बार इसी बात के ऊपर जोर देते हैं, क्योंकि जितना आत्मसात करते हैं उतना ही हर कदम के ऊपर धनी जी की कृपा, दया, मेहर, बख्शीश होती है। वही हमें चाहिए, वही हमें आगे ले जा सकते। हमारे कितने ही प्रयास हो परंतु मेहर के बिना आगे नहीं जाएंगे। वी वॉन्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अवर एक्शंस एज वेल एज द ग्रेस ऑफ श्री राज जी। कृपा भी हो, हमारी मेहनत भी हो, करनी माफक कृपा, कृपा माफक करनी हो जाए, तब जाकर कहीं हमारा कार्य सार्थक होता है। कलाम हक जुबान के, पुनः आगे फुरमा रही है इंद्रावती सखी कि मेरे हक श्री राजी, मेरे धनी जी के जुबान के द्वारा, मुखारविंद के द्वारा, जो शक्ति से जो वचन मिश्रित है, जो कलाम उन्होंने कहे हुए हैं, तिनका कहूं विवेक। श्री इंद्रावती सखी कह रही है कि उनका विवेक मैं आपके सामने करना चाहती हूँ। मेरे सुंदर साजी, मेरे धनी जी के वचन के प्रति मैं जो सोच रही हूँ, जो विवेचन कर पा रही हूँ, इस बात को मैं प्रकट करती हूँ। इन कहने से कायम हुए मेरे धनी जी के वाणी वचनों में यह शक्ति है कि मेरे धनी की कहने के द्वारा, मेरे धनी जी के वचनों के द्वारा कायम हुए, अरे अखंड हो गए। क्या अखंड हुए? दुनी पाया हक एक। इस सारी दुनिया ने जो कायम हुई, उन सभी ने एक हक को पाया, एक धनी जी को पा लिया, जो आज तक कभी नहीं पाया। जिस परम सत्य की खोज में सहु कोई चल रहे थे, सृष्टि के प्रारंभ काल से लेकर के सृष्टि निर्माता से लेकर के, किसने खोज नहीं की? सभी करते आए, परंतु हक को, परब्रह्म को, उस परम सत्य को किसी ने न जाना था। सबने जो कहा वो पूर्ण रूप से निरूपण करके कह नहीं पाए। सबने अपने अपने अंदाज अटकल के माध्यम से कहा, किंतु सुनिश्चित करते हुए ब्रह्म धाम से इस ज्ञान को लाने वाले वो तो केवल श्री सतगुरु और श्री प्राणा जी ही हैं, जो वहां से उत्तरित हुए और वहीं का ज्ञान लेकर के उतरे हैं। उन्होंने ही इस संसार के बीच में हक को, पर ब्रह्म को प्रकट कर दिया। इंद्रावती सखी धनी जी के इन वाणी वचनों का मूल्यांकन करती हुई कहती हैं कि मेरे धनी के वाणी वचन का मैं विवेक करके कहती हूँ कि धनी के वचनों के द्वारा ही ये जो सारी संसार दुनिया है, ये सब कायम हुए, हयात हो गए, अखंड हो गए। क्योंकि जो जो इस तारतम ज्ञान के तले आ रहे हैं, जो इस इलम के तले आ रहे हैं, इस इलम के अंदर ही यह शक्ति है कि वह किसी के अंदर के अंकुर को परिवर्तित कर दे। ब्रह्मा आत्माओं के अंदर श्री निजधाम का अंकुर है, वो असल है, इसे परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं। ऐसे ही ईश्वरी सृष्टि के अंदर भी अक्षरधाम का असल का अंकुर है, और उसे भी परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। उन्हें तो केवल अपने अपने धाम के विषय में अवगत कराना ही इलम का काम है। मगर जो यहाँ के अनंत जीवात्मा है, ये जीवात्माओं के अंदर असल का अंकुर नहीं है, और उनको
असल का अंकुर प्रदान करना। झूठे अंकुर में से असल अंकुर के अंदर उनको लाना, यही इलम का काम है। ब्रह्म आत्माएं धनी के इलम के द्वारा इस ब्रह्मवाणी के जरिए सभी के बीच में इस बात को प्रकट करती हैं, और तब दुनिया भी इस हयाती आब को पीते हुए, पान करते हुए अखंड में पहुंचते हैं। उनके अंदर के अंकुर का भी परिवर्तन होता है। द सीड विद इन देम विल गेट ट्रांसफॉर्म। ये सिलम की ताकत है, धनी के तारतम ज्ञान की ताकत है। इसी वास्ते जैसे हमने अभी अभी सुना कि हम इसे कहते हैं हयाती आब। आब यानी जल को कहा जाता है, हयाती अखंड को कहा जाता है, कायम को कहा जाता है। जिस जल के पान करने से कोई अखंड हो जाए, कोई हयात हो जाए, ऐसे जल को हयाती आब कहा। दौड़ करी सिकंदरे ढूंढ्या हयाती आब, पर ठोर बक्का न पाया, उलंग न सकिया ख्वाब। हमने बादशाह सिकंदर के विषय में श्रवण किया हुआ है, अलेक्जेंडर द ग्रेट। जब उन्होंने अपनी यात्रा का प्रारंभ किया था, तब वो जानते थे कि हयाती आब जैसी कोई वस्तु का पान करने से मैं अमर हो जाऊंगा, अखंड हो जाऊंगा। दौड़ करे सिकंदरे, उसने बहुत दौड़ तो लगाई, किंतु फिर भी उस हयाती आब को पा नहीं सके, क्योंकि वो कोई जाहिरी वस्तु नहीं। ये हयाती आब, ये तारतम ज्ञान को, इस बेशक इलम को कहा हुआ है, जिस बेशक इलम का रस स्वादन करने से, पान करने से जो रूह है, इस रूह के अंदर बेशकी आती है। इस रूह के अंदर धनी का प्रदान किया हुआ इश्क आता है। इस बेशक इलम के द्वारा कोई हयात होते हैं, अखंड में मोक्ष को प्राप्त करते हैं। इसीलिए धनी की वाणी को हयाती आब कहा गया है। द नेक्टर ऑफ तारतम। तो इसी विषय में उसने बड़ी ही खोज की, परंतु ढूंढ नहीं सके। श्री इंद्रावती सखी ने तारतम ज्ञान का मनन मंथन करते हुए खुलासा ग्रंथ के अंदर इस बात को प्रकट कर दिया कि हयाती आब धनी जी के ये वाणी वचन है कि जिसके द्वारा सारी दुनिया ये अखंड होंगे, कायम होंगे, क्योंकि उनके अंदर के अस्तित्व को ही परिवर्तन किया जाएगा। जब ब्रह्म लीला को श्रवण करेंगे, ब्रह्म मंत्र की प्राप्ति जब होगी, तो क्यों उनके अंदर ये परिवर्तन न हो। इस ब्रह्म मंत्र के अंदर, इस ब्रह्म वाणी के अंदर यह शक्ति है कि वह उनके हृदय को, उनके अंकुर को परिवर्तित कर दे। कंडीशंस अप्लाई, श्रद्धा विश्वास से जो इसको ग्रहण करते हैं, अवश्य उनके अंदर ये परिवर्तन होगा, होगा और होगा। तो श्री इंद्रावती सखी जो यहाँ पर धाम धनी के वाणी वचन कॉल के ऊपर विवेचन करती है कि धनी के वचनों के जरिए सारी दुनिया हयात होगी, अखंड होगी, जो जो इस तारतम ज्ञान के तले आते जा रहे हैं, वो इस हयाती आब का पान करते हुए, बेशक इलम का रस स्वादन करते हुए अखंड में पहुंचने के लिए अपना मार्ग खोलते जा रहे हैं। जैसे श्री इंद्रावती सखी फरमाती हैं, मेरे मीठे बोले साथ जी वा तुम्हारा काम, प्रेम में मगन होइयो खुलिया दरवाजा धाम। तो धाम दरवाजा खोलने वाली, धाम धनी की इस अखंड बाणी को
हम आत्मसात करते हैं, हृदयांगम करते हैं, पल पल इसको हृदय में धारण करते हैं सुंदर साहब जी। और साथ ही साथ आज की मजल को यहीं पर विराम देते हैं। धनी चरणों में हमने वंदना के साथ इस सत्र का शुभारंभ किया। धनी की प्रेरणा हुकुम के जरिए ही आज हम इतना लाभ ले सके हैं, अन्यथा आज इस प्रकार इस लाभ को लेना संभव ही नहीं था। तो साथ जी पिया चरणों में शुक्राना अर्ज करते हैं, व्यक्त करते हैं, और इसी के साथ आज की वाणी चर्चा मजल को यहीं पर विराम देते हैं। कलाम हक जुबान के तिनका कहूं विवेक, इन कहनी से कायम हुए दुनी पाया हक एक, दुनी पाया हक एक। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणा त्यारे की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी।